हेलो फ्रेंड्स, आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल फैक्टर फॉर होमोजेनियस इक्वेशन। यानी हमने इससे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी उसमें हमने होमोजेनियस इंटीग्रल फैक्टर के बारे में कुछ पढ़ा था, थोड़ा बहुत कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे हमने। तो इंटीग्रल फैक्टर ऑफ होमोजेनियस, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस हो, हमने इंटीग्रल फैक्टर जो पढ़ा था लीनियर इक्वेशन से भी तो हम निकालना सीख गए थे। अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उस कंडीशन में इंटीग्रल फैक्टर किस तरह से निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, सपोज हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कब होगी? ये होमोजीनियस होगी इफ एम एंड एन आर होमोजीनियस। m और n जो है x और y के फंक्शन है और ये होमोजीनियस हो। अब होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? होमोजीनियस फंक्शन फ्रेंड्स ऐसा फंक्शन होता है जिसकी सम ऑफ पावर्स ऑफ एवरी टर्म इज इक्वल टू एन। यानी कोई एक हमारे पास फंक्शन है उसकी हर पावर का सम जो है वो एन कुछ भी नंबर हो सकता है, तो एन के इक्वल हो तो उस कंडीशन में कहेंगे कि वो जो इक्वेशन है एन ऑर्डर की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सपोज उसको इस तरह से लिख सकते हैं ए जीरो एक्स टू द पावर एन प्लस ए जीरो एक्स टू द पावर एन माइनस वन वाई वन प्लस ए जीरो ए वन, यहाँ पे ए वन ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू वाई टू प्लस, इसी तरह से चलती हो जाएंगी फ्रेंड्स। तो इस तरह की अगर हम इस पर हर टर्म का अगर पावर का सम देखें तो यहाँ पे x की पावर n, यहाँ पे x की पावर n माइनस वन प्लस y की पावर वन, तो ये भी n हो जाएगा। यहाँ पे सम देखें तो वन हो जाएगा, तो n हो जाएगा। इस तरह से ये इक्वेशन जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब फ्रेंड्स, इस तरह की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन इंटीग्रल फैक्टर किस तरह से निकालते हैं? तो पहले इनका इंटीग्रल फैक्टर, पहले इसके लिए हमारे पास फ्रेंड्स इंटीग्रल फैक्टर होता है इसका। इंटीग्रल फैक्टर वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, ये इंटीग्रल फैक्टर होता है। बशर्ते यहां पर जो कंडीशन है वो है एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो। अगर सपोज ये है, अगर सपोज एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू जीरो, एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू जीरो, तो यहां से इंप्लाई होगा एम एक्स इक्वल टू माइनस एन वाई या एम अपॉन एन इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। तो यहां से अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास एम अपॉन एन डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई, लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। तो यहां से अगर एम और एम अपॉन एन की वैल्यू लिखना चाहे तो ये माइनस वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आ गए वन अपॉन एक्स डी एक्स, वाई को उधर ले जाएंगे इक्वल टू वन अपॉन वाई डी वाई। तो ये हो गया हमारे पास लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल टू लॉग वाई प्लस लॉग सी, या यहां से कह सकते हैं एक्स इक्वल टू सी वाई। ये हो गया हमारे पास, अगर ये कंडीशन है हमारे पास एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू जीरो, तो उस कंडीशन में उसका सोल्यूशन ये होगा एक्स बराबर सी वाई। अब इंटीग्रल फैक्टर तो ये होता है mx plus ny। अब जब नॉट इक्वल टू जीरो हो तब सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं जो एग्जांपल लेता हूँ वो मोस्टली किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में रिपीट होते हुए एग्जांपल होते हैं, कई बार रिपीट होते हैं। ऐसे एग्जांपल मैं इसमें लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है एक्स टू द पावर फोर प्लस वाई टू द पावर फोर डी एक्स माइनस y क्यूब एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। ये है फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन निकालना है। अगर देखें तो होमोजीनियस है नहीं, यहाँ पे x पावर फोर है, यहाँ पे y की पावर फोर है, डी एक्स यहाँ पे भी दोनों की पावर फोर है, तो दोनों फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है और ऑर्डर फोर्थ के, ये हो गए हमारे पास। अब फ्रेंड्स अगर हम देखें तो एम एक्स प्लस एन वाई, इसका इंटीग्रल फैक्टर के लिए पहले हमें ये चेक करना होगा ये इक्वल टू जीरो है या नॉट इक्वल टू जीरो है।
तो एम एक्स प्लस एन वाई अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टू द पावर फाइव प्लस एक्स सॉरी हाँ एक्स वाई फोर माइनस यहाँ पे इसमें वाई का मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा वाई फोर एक्स यानी जो m था वो m ये और n माइनस वाई क्यूब तो ये होगा एम एक्स प्लस एन वाई बराबर इससे ये कट जाएगा ये होगा x टू द पावर फाइव नॉट इक्वल टू जीरो ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। अब यहां से इंटीग्रल फैक्टर अगर लिखना चाहे तो इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स टू द पावर फाइव यानी अगर इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्वेबल हो जाएगी। तो अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वन अपॉन एक्स टू द पावर फाइव का तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स इसमें मल्टीप्लाई किया जाए प्लस वाई टू द पावर फोर डी एक्स y टू पावर फोर अपॉन एक्स फाइव एक्स टू पावर फाइव डी एक्स माइनस वाई टू दी पावर क्यूब अपॉन एक्स फोर क्योंकि एक x से x कट जाएगा और डी वाई इक्वल टू जीरो ये हो गया फ्रेंड्स। अब इसको लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस वाई अपॉन वाई टू दी पावर फोर अपॉन एक्स टू दी पावर फाइव डी एक्स माइनस वाई टू दी पावर क्यूब अपॉन एक्स टू पावर थ्री डी वाई इक्वल टू जीरो। अब फ्रेंड्स यहां पे अगर हम देखें ये हमारा एक्स टू पावर फोर है अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें यहां से ये पता चल रहा है कि इसको डिफरेंशिएट इस तरह से क्या गया है यहां पे कोई भी टर्म होगी तो इसका तो ये तो डी एक्स डायरेक्टली हो जाएगा। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसको डिफरेंशिएट इसलिए इस तरह क्या गया है कि नीचे कुछ वाई टू दी पावर कुछ टर्म है अपॉन एक्स टू दी पावर कुछ और टर्म एन या एन इस टर्म का डेरिवेटिव है क्योंकि एक्स टू दी पावर नीचे आ रही है तो इस तरह के टर्म का एक डेरिवेटिव हमें यहां से पता चल गया। अब ये टर्म क्या हो सकती है तो ये अब हमें निकालना है फ्रेंड्स। ये है हमारे पास वन अपॉन एक्स डी एक्स इसको तो हम यही लिखेंगे अगर माइनस कॉमन लिया जाए तो माइनस ये हो जाएगा हमारे पास वाई क्यूब अपॉन एक्स टू दी पावर फोर माइनस सॉरी यहाँ पे डी वाई माइनस वाई फोर एक्स टू दी पावर फाइव डी एक्स ये है। अब ये तो हमें पता चल गया यहाँ एक्स टू पावर फोर है एक्स टू पावर फाइव है यानी डेरिवेटिव जो होगा वो एक्स टू पावर थ्री बाई टू से कुछ बड़ा होगा यहाँ पे नंबर तभी तो उसका नंबर जो होगा सॉरी यहाँ पे जो एन बराबर एन की वैल्यू जो है वो थ्री बाई टू से कुछ बड़ी होगी तो यहाँ से इसके लिए हम यहाँ पे एक्स थ्री पे चेक करते हैं तो थ्री पे अगर चेक करना है तो यहाँ पे एक्स पावर अगर थ्री होगा तो यू अपॉन वी फॉर्मूले से हमें पता है नीचे वी स्क्वायर आता है तो यहाँ पे हमारे पास एक्स सिक्स आना चाहिए अगर क्यू लेते हैं एन बराबर अगर थ्री लेते हैं तो सिक्स आना चाहिए तो यहाँ सिक्स लाने के लिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक्स का एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ एक्स का मल्टीप्लाई ये हो गया हमारे पास। अब फिर से अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ वाई क्यूब यानी यहाँ पे हमारे पास वाई क्यूब आ रहा है इसका मतलब वाई टू दी पावर फोर का डेरिवेटिव है यहाँ पे कहीं ना कहीं वाई टू दी पावर फोर का डिफ्रेंशिएशन हुआ है तभी तो वाई क्यूब आया है। और इसमें अगर देखें इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आना चाहिए तो बट जब यहाँ पे हम देखेंगे वाई क्यूब का डेरिवेटिव वाई फोर का डेरिवेटिव हुआ है तो यहाँ पे फोर आना चाहिए यहाँ पे फोर आना चाहिए और यहाँ पे अगर हुआ है डेरिवेटिव तो यहाँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ है तो यहाँ टू आना चाहिए बट ऐसा हमारे पास कोई टर्म नहीं बन रही कि नीचे फोर का मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी दोनों सेम संख्या आ जाए या नीचे ऊपर कोई एक सेम नंबर नहीं मिल रहा जिसका ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सके यहाँ से हमारे पास ये कुछ ऐसा नंबर नहीं मिल रहा तो यहाँ से हमने ये तो सिर्फ एक्स की पावर सिक्स के लिए ट्राई किया। अब सपोज हम एन बराबर फोर के लिए ट्राई करते हैं एक्स टू की पावर एट के लिए तब एक्स टू की पावर एट के लिए ट्राई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे हमें एक्स टू की पावर फोर का मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स टू की पावर फोर क्योंकि एक्स टू की पावर एट नीचे बना रहा है हमारा मेन एम ये है और यहाँ पे एक्स टू की पावर थ्री और यहाँ एक्स टू की पावर थ्री। अब इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे वाई क्यूब का डेरिवेटिव आया फोर आ गया है अगर यहाँ पे देखें तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब आया डेरिवेटिव के बाद यानी एक्स टू की पावर फोर का डेरिवेटिव आया तो फोर आ गया है। अब इसके लिए हम कर सकते हैं कि वन अपॉन फोर फोर का नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया और फोर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया तो ऊपर मल्टीप्लाई करने फोर
वाली टर्म यहाँ आ जाएगी। ये हो गए हमारे पास। फिर इसमें ये टर्म जो थी वो समझने लायक थी कि हमने किस तरह से चेक करके यहाँ पे पता किया कि फोर से मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे। अब ये हो गया वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन फोर डेरिवेटिव ऑफ वाई टू दी पावर फोर अपॉन एक्स टू दी पावर फोर इक्वल टू जीरो। अब अगर